अब ट्रेन में जरूरी नहीं होगा खाना लेना, क्योंकि अब टिकट बुक करते वक्त आपके पास विकल्प की व्यवस्था होगी, जिसमें यात्रियों को बुकिंग के वक्त बताना होगा कि उन्हें खाना चाहिए या नहीं। यदि वे नहीं का विकल्प अपनाएंगे तो उनके किराए में कैटरिंग का शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। रेलवे ने ट्रेनों में वैकल्पिक कैटरिंग व्यवस्था लागू कर दी है। इसकी शुरुआत 7 राजधानी, 6 शताब्दी और 5 दुरंतो ट्रेनों से की गई है। रेलवे ने खानपान सेवाओं में सुधार के लिए 3 हफ्ते का निरीक्षण अभियान छेड़ा है। इसके तहत 88 ट्रेनों और 100 फास्ट फूड जॉइंट्स में खानपान सेवाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। फूड सर्ट और बैक्सेल नामक निजी कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। खाने को लेकर कैग की रिपोर्ट और यात्रियों की शिकायत को देखते हुए दोषी ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को सख्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में हर साल औसतन 3 ठेके रद्द किए गए थे। वही चालू वर्ष में जनवरी से जून तक 6 महीनों में ही 12 ठेके रद्द किए जा चुके हैं। इन ठेकों की अवधि 2019 तक थी। हावड़ा से दिल्ली आ रही एक ट्रेन में परोसे गए वेज बिरयानी में छिपकली मिलने के बाद रेल मंत्रालय ने बुधवार को कैटरर का ठेका रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।